What's up guys, welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. All right ladies and gents, so you know Thagesh. Who doesn't? Who doesn't, exactly. So Thagesh, you know he makes like fun roast videos and everything. So he made it on ek TikToker ke upar usne banaya, not late, abhi to TikToker nahi, reeler ke upar banaya, jiska naam hai Adnan 07. Okay, so aap log jab bhi comment karte ho Thagesh ke video ke liye, tabhi हम लोग रिएक्ट करते हैं, बट अगर कोई वीडियोस के लिए नहीं है देन आई वॉच हिम, क्योंकि मैं उसका सब्सक्राइबर हूँ एंड आई डू वॉच हिम रेगुलरली. सो ही मेड अ वीडियो ऑन हिम और उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं था. दैट गाय टुक इट लाइक वेरी पर्सनली और इसको 2:30 बजे ही कॉल थगेश और गाली वगैरह दी. ओह माय गॉड. एंड या और उसके ऊपर थोड़ा भी बवाल हुआ है. एंड नाउ दिस इज हिज रिप्लाई जो भी हम लोग देखने वाले हैं. ये क्योंकि मुझे पता है जब ये वीडियो आ रहा है आई न्यू कि इसके लिए कमेंट्स आएंगे और वैसा ही हो इसके लिए कमेंट्स आए. द थग आर्मी, थग सेना इज हियर एंड आई होप कि आपने ये वीडियो देखा रहेगा. अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड वॉच इट ऑन थगेश का चैनल फर्स्ट. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हेलो मिस्टर रेडी, हियर कम्स योर डैडी. So, पहली बात, जो मेरी ऑडियंस है उनको पता है कि मेरे रोस्ट काफी चिल होते हैं एंड काफी नॉन ऑफेंसिव. आई लाइक हिज शर्ट, लुकिंग गुड. होते ये वाला ऑफेंसिव होगा. क्यों? बैक स्टोरी बताता हूँ. तो मैंने अपने पिछले वीडियो में अदनान शेख के इस वीडियो पर रिएक्ट किया था. नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया. ये कोई ईस्टर एग जिसपे अदनान. दैट वाज इट. Oh my God! And I don't know इसके ऊपर इतना उसको ट्रिगर होने जैसा क्या था. I really don't understand. But okay. नान ऑफेंड हो गया. कोई बात नहीं, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा. उस लड़के को बेइज्जती और रोस्ट की इतनी आदत हो गई है और इस वीडियो में मैंने उसके बजाय उसके चश्मे का मजाक उड़ाया था. डोंट वरी भाई. That is why. मैं कमी पूरी करूंगा. नान, तुझे खुद ही कैप्शन में लिखा था इस वीडियो में क्या गलत है बताओ. और मैंने तो अभी तक तेरी एक्टिंग के बारे में बताया भी नहीं था. जिस वीडियो को मैं खुद एक रोस्ट नहीं मानता तू उससे ऑफेंड हो गया. तुझे ऑफेंड होना और ऑफेंड करना बहुत पसंद है, तो आज का वीडियो तेरे लिए. काफी सारी स्टोरीज में मेंशन करके मुझे हैशटैग केश बुला रहा था. ये आज के वीडियो में मैं तेरे लिए वही हूँ. मैंने अदनान पे 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जब इन्होंने बहुत सारे कांड किए थे. अदनान ना बहुत टेढ़ा आया. वो अदनान है ना, वो बहुत टेढ़ा आया. तो मैंने बोला चलो सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. कैरी की वीडियो और लक्ष्य की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू. या ये ना, ये आई स्वेयर टू गॉड, ये मैंने लास्ट टाइम सुना था. आई जस्ट फील कि ये उसने वो जानबूझ के किया, बिकॉज कॉल रिकॉर्डिंग कौन सी इतनी क्लियर आती है. तो ऐसा माइक ऐसा पकड़ के बात किया, ऐसा लग रहा है यार. चला ही करता है. तब मुझे इसका कॉल नहीं आया था, बट एक रिएक्शन के लिए मेरे को इसका कॉल एंड धमकी आया. बिकॉज तब टिकटॉक था और तब ये रेलेवेंट था. अब मछली पानी के बाहर आ गई है तो फड़फड़ाएगी ना. 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था और अभी मैं कुछ चीजें बिल्कुल नहीं बदली है, जैसे मेरा शर्ट और बुद्धि. एनीवेज, मैं केरला में था एंड मुझे इसका कॉल आया एंड ये मुझे माँ बहन की गालियाँ देने लगा, मारपीट की धमकी देने लगा. केरला में अगर फ्लड्स के बाद कोई घटिया एंड भैया चीज आई है ना, तो वो है अदनान शेख का कॉल. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. अदनान ने मुझे रात को 2:30 बजे कॉल किया जब मैं सो रहा था एंड ही वॉज लाइक हेलो मैं अदनान शेख बोल रहा है. एंड आई वॉज लाइक सॉरी भाई, मेरी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर है. तूने इस वीडियो में बोला था कि तू पहले सिम कार्ड बेचता था. बोले हाँ. फिर कैलकुलेट किया, मिला दिन का 200, टाइमिंग क्या क्या लगेगा, कैसा टारगेट पूरा करूँगा. तो वो बताया कि 250 से 300 सिम कार्ड पर मंथ बेचना है मिनिमम, और उससे ऊपर बेचे तो इंसेंटिव मिलेगा उस. सेम पिंच ब्रो, मैं भी बेचता था, लेकिन फर्क ये रह गया कि तेरी कॉल करके परेशान करने की आदत अभी तक गई नहीं. छोटा मोटा गेम नहीं करने का. नहीं तो फर्क है तुम में और हम में. हमें देख के लोग हाथ जोड़ते हैं, तुम्हें देख के लोग हाथ उठाते. I'm sure आज भी तेरे से कोई आइडिया मांगता होगा तो तू सिम कार्ड ही देता होगा. एंड अदनान ने कॉल करके मुझे इन बहुत सारे लोगों को हिजड़ा बोला था. यस, ये वाला टर्म यूज किया था. बट एक मिनट, तुम बाप भी नहीं बन पाओगे. तुम हिजड़े लोग के तरह लाइफ पे आके सब मत करो. जो सबको टारगेट कर रहे हैं और छक्के बोल रहे हैं. हिजड़े लोग के तरह इतना दोगला है तू, इतना फेक है तू, इतने फेक तेरे फॉलोअर्स भी नहीं है. एंड मैं देख रहा हूँ तूने अभी यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किया है, काफी कंसिस्टेंट है, गुड थिंग. बट काश तेरा सोशल ब्लेड भी इतना कंसिस्टेंट होता. एक दिन तेरे 20,000 फॉलोवर्स आ रहे तो दूसरे दिन तेरे 10,000 फॉलोवर्स गिर रहे.
इससे प्रूव होता है असली बॉट आर्मी तन्मय भट्ट के पास नहीं, तेरे पास है। इतना ईमान की बात बहुत करता है अपने इंटरव्यूज में। दो साल पहले तो इतना कैरी कैरी कर रहा था। कैरी की वीडियो दोनों उड़ गई है, अभी और काम चालू। जब दो पैसे कमाने की बात आई तो कैरी वाली मूवी भी प्रमोट कर दी। आप तो गलत मूवी फॉलो करते हो। ठीक है, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, फोर्थ हैंड रेंज रोवर की ईएमआई भी तो भरनी है। फिर अदनान ने इंस्टाग्राम पे जवाब भी दिया। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना तो दाई गाल आगे करने का। भाई इसने तो चिपका दिया। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा। मतलब सही है, इनको जवाब भी देना होता है तो ये खुद के मुंह से खुद के डायलॉग से नहीं देते, ये कॉन्ट्रोवर्सी भी दूसरों की लिपसिंग करके करते। अगर आपको भी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको चुल्लू भर पानी डूब मरने के लिए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ये, हम देंगे आपको चुल्लू भर पानी। बजाओ वीडियो में आगे जाने से पहले होगा। फिर इतना सब होने के बाद अदनान ने एक दो स्टोरीज डिलीट की एंड ये स्टोरी डाली कि बापूजी बिजी है, अपने दूसरे बाप को रिप्लाई करो। बट बापूजी रात को 2:30 बजे कॉल करते टाइम तो बिजी नहीं थे। सही है, जब गाली देने का टाइम था तब खुद ने दे दी, जब गाली खाने का टाइम आया तो भाई को आगे कर दिया। सही, एक भाई ने मुझे कॉल किया और एक भाई ने सीधा देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर डिस्ट्रैक्ट बना दिया। आज ये गंदे नियम भाइयों बहनों, ये बोले भी दोनों भाई को आदत है ऐसी चीजों को छेड़ना जो उनकी लीग से बाहर है। अदनान ने मुझे कॉल पे ऐसी बहुत सारी बातें बोली, अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग डाल दूं ये खत्म ही हो जाए, डाल देता, बट कॉल रिकॉर्डिंग लीक करना इलीगल है एंड इलीगल काम टीम 07 का डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं। इलीगल काम से याद आया, अदनान को एक बार मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था बिकॉज उसने अनलाइसेंस तलवार से केक्स काटे थे। भाई चाकू ले लेता छोटा, अपने से बड़ी चीजें और मैटर हाथ में क्यों लेता है। आई एम श्योर ये जब पैदा हुआ था ना डॉक्टर ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं अपोलॉजी लेटर दिया होगा। सॉरी अदनान मुझे बार बार फोन पे बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर रहा था। यार एक बार फैजो होता ना तो भी मैं कर लेता, तू तो इररिलेवेंट है। बात सही है। पहले अदनान को मिलियंस में लाइक्स आते थे, व्यूज आते थे, अभी तो सिर्फ 50-60 हज़ार रह गए। क्या है, मोबाइल कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए ना, तो इसके आधी ऑडियंस तो उधर ही ऑफलाइन हो गई। एंड इस बंदे को नामर्द शब्द बहुत पसंद है। यस, ये कॉल पे बहुत बार बोल रहा था, ये स्टोरीज पे भी यही चीज बोल रहा था। मतलब जो बंदा सिर्फ 30 सेकंड्स वीडियो अब जनरली मुझे वीडियो बनाते टाइम थोड़ा डर लगता है कि सामने वाले की ऑडियंस आके मुझे उल्टा सीधा बोलेगी, कमेंट्स करेगी, बट इसके केस में नहीं है क्योंकि अगर इसकी ऑडियंस को लिखने आता तो इसके फोटो पे लिख देती ना, इमोजीज कमेंट नहीं करती। एनीवेज जब ये हुआ होगा तब पूछा होगा लड़का हुई है लड़की, डॉक्टर ने बोला होगा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। जनरली मैं इतने गुस्से में नहीं होता हूँ लेकिन अदनान ने मुझे कॉल पे इतना कुछ बोला ना, ये बंदा इतना बड़ा लूजर है, इतना बड़ा लूजर है कि ये टीम 07 में भी तीसरे नंबर पे आता है। एस ऑफ स्पेस जो एक छपरियों का शो है उसमें भी हार के आया। इसके इंस्टा पे 11 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद यूट्यूब पे 4 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। कभी कभी तो डाउट होता है तू स्पर्म रेस कैसे जीत गया। क्या कॉमन है मेरे जोक्स में और अरेबिक लैंग्वेज में, तेरे ऑडियंस को दोनों ही नहीं समझते। NRCS अदनान इनके भाई ने NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था इंडियन से, तो इसलिए अपने को आवाज उठाना पड़ेगा, तुम्हारा देश अभी आजाद नहीं हुआ है। चुप करे मैनेजर। पता है क्यों इनको लग रहा था NRC नचनिया रिमूव कॉन्स्टिट्यूशन है। My dog stepped on a bee. My dad has to pee. My mom stuck in a tree. Kitna ganda muh banaya chhi. बहुत हैवी कॉमेडी हो गया भाई। मेरे को लगता है ना इंस्टाग्राम को ना अदनान के वीडियोस से लाइक बटन हटा के एक यूनिक बटन डालना चाहिए, फ्लश का बटन। मैं पैसा देता हूँ, कोडिंग करो। So, Instagram पे नया फिल्टर आया है, योर फेट ये बताएगा हमारा फ्यूचर। ये फिल्टर बताएगा मेरा फ्यूचर। चिल्ड्रन ट्रिपलेट्स। नहीं नहीं आपके फोन में प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूचर ही डार्क है। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा। गांधी जी भी इनका कंटेंट देख के ना रिग्रेट करते, इसके लिए मैंने लाइफ सैक्रिफाइस की। बापू बोला अगर दुश्मन बाई गाल पे मारेगा ना नाइस नाइस। हाथी का शिकार करने वाला रॉकी।
पहले लोग सुनसान सड़कों पे जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें क्रिमिनल्स का डर होता था, बट लोगों को अब उनसे डर होता है जो सुनसान सड़कों पे ऐसी हरकतें करते। तो अदनान ने काफी सारी माँ बहन की गालियां दी मेरे को, बट यू नो जब इसके पापा को कोई बोलता होगा ना कि अदनान एकदम आप जैसा दिखता है तो वो ऑफेंड हो जाते होंगे। तू इतने तू ये इस वीडियो पे ऑफेंड हो गया, पता है तेरी पूरी बॉडी में तेरे दिमाग से भी छोटा क्या है, तेरा मेल ईगो। तो अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसे गाली देगा तो कैसे लगेगा? Wait. अगर आपकी माँ बहन को कोई ऐसे गाली देगा तो कैसे लगेगा? अच्छा थोड़ी पर्सनैलिटी ला यार, लोगों को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तेरे को नो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसे है? अदनान की काफी सारी वीडियोस देखी मैंने, इसकी वीडियोस की स्क्रिप्ट से लंबी ना, इसके कमेंट्स में लोग गालियां छोड़ के जाते हैं। वेल डन। अभी लोग बीच में इंस्टाग्राम से बहुत well नाराज थे, इसलिए नहीं क्योंकि सोफिया अंसारी का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, इसलिए क्योंकि इसका रहने दिया था। कोई नहीं छोटे, तू बना क्रिंज कॉन्टेंट, बट कभी शर्मिंदा नहीं होना, बिकॉज वो काम तेरा नहीं, तेरे पेरेंट्स का है। पता करेंगे ना तो तुम्हारा टांग फैला के ऐसा बीच में ऐसे जूते मारूंगा ना मैं, तुम बाप बाप भी नहीं बन पाओगे तुम। इजले लोग के तरह कभी कभी ना मेरे को उन लोगों से जलन होती है जो तेरे को जानते नहीं, कितने लकी है वो। ओह गॉड डैम, लड़ाई होती है तो जिम की स्टोरीज डाल देता है। यस ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ये लड़ाई का, तुझसे नहीं संभल रही, छोड़ दे। जिम में तू बॉडी से ज्यादा तो रील्स बनाता है। और फनी थिंग इज टीम 07 का कोई मेंबर आया नहीं इनके सपोर्ट में, बिकॉज सबको एक्सपीरियंस है लाइन ऑफ फायर में आना नॉट गुड। अदनान को मैंने देखा है ये पोर्ट्री करता है, ये बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये बहुत केयर करता है यू नो सोसाइटी की एंड ऑल, लेकिन अगर यही होता तो रात को 2:30 बजे कॉल करके माँ बहन की गालियां मारने की धमकी नहीं दे रहा होता छोटे, ये आज भी 2016 वाला छपरी ही है। एंड दैट्स अ फैक्ट। मैंने पहले भी बोला है छपरी हो छपरी रहो, ज्ञानी ना बनो क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। कोविड तो अभी आया है, अदनान तो कब से समझदारी का मास्क पहन के घूम रहा है। यो ही इज ऑन फायर, बोल तो रो देते ये लोग, ना रोत लो है कि जेब में क्रेडिट कार्ड नहीं विक्टिम कार्ड लेके घूमता होगा। एनीवेज दोबारा फोन मत करियो वरना ये तो टीजर है, अगर तुझे लग रहा है तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो आज यूट्यूब पे तेरा नाम सर्च कर ले, ये वाला वीडियो मिलेगा तेको। एंड दैट्स अ फैक्ट। ओह माय गॉड, लेजिट बर्न। एंड एडी भाई आज के बाद कोई ब्रूटल का मीनिंग सर्च करेगा ना तो ये वाला वीडियो आएगा, सब्सक्राइब। द बर्न एट द एंड, गॉड डैम। बट आई थिंक थगेश ऑब्वियसली ज्यादा गाली वगैरह, ज्यादा क्या गाली वगैरह कुछ है ही नहीं उसमें, लाइक द क्लिप यू सॉ वो चश्मे का कंटिन्यूटी एरर, लाइक दैट वाज द ओनली थिंग। और आई थिंक महेश भी इसमें यही बोल रहा था, आई थिंक महेश क्या, आई थिंक पीपल लाइक हूएवर आर कमेंटिंग ऑन हिज वीडियो और अदर वीडियोस, आई डोंट थिंक यार इसमें कुछ भड़कने जैसा था क्योंकि ना उसमें गाली थी right. ना उसने तुम्हारे कुछ यू नो लुक्स के बारे में बोला या कुछ भी बोला, इट वॉज जस्ट मैं तो इसको आई थिंक क्रिटिसिज्म की तरह लूंगा इन लाइक अ फनी वे, बट मे बी ही वॉन्टेड टू बी 15 minutes, नो ही वॉन्टेड सम 15 minutes ऑफ फेम मे बी, पता नहीं क्योंकि बाकी उसके लाइक दिस इज सो स्टूपिड, इसके लिए कोई इतना भड़क नहीं सकता कि आप किसी को रात को तो छोड़ जाने दो, दिन में भी आप कॉल करके इसके लिए क्या गाली गलौज करने का है डूड, लाइक देर आर मतलब लाइफ में और कितनी चीजें हैं इससे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। बट आई लाइक दैट थगेश हैज लाइक यू नो विदाउट गिविंग एनी गालीज एंड ऑल लाइक प्रॉपरली रोस्टेड हिम, एंड एज ही सेड दिस वाज ओनली अ टीजर। But I because don't think I'm sure अगर उतने से वीडियो पे if he got offended तो ये वाले पे तो he is going to like create even a bigger controversy now. Maybe he's like making a diss track or something. Like I think that is a new thing. ये क्या है bros? कुछ भी हुआ diss track बनाओ. And ये जो अभी जो महेश ने बोला कि उसको phone करके boxing match कर, that is like so जो US में ऐसा चल रहा है case है Logan Paul वो try करने की. But dude like come on, Thagesh is like in a different league. Like why would he go against right, him, you know? Right. It like doesn't make sense. So yeah, it was fun, ladies and gents. And hopefully this is not our last video for the month. We keep saying it, but yeah. Abhi nee, but chances are this is the last video. So yeah, you can follow her on Instagram, Wish Her Happy Journey. She's going to be flying. Main aur ek week ke liye hu, I'll be live on our second channel. Please teach me Minecraft, mujhe nahi pata. So yeah, ladies and gents, boys and girls, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like. And we'll see you guys in the next one.